नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मेरा सी कश्मीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जरिए से हम मल्टी टैलेंटेड यूथ्स के साथ बात करते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के साथ बात करते हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अपना नाम कमाया होगा। आज यहाँ पर ख़ास मेहमान नेशनल रिप्यूट आर्टिस्ट दीपा सोनी मैम आई है यहाँ पर कश्मीर आर्टिस्ट एम्पोरियम में। उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम 3 दिन का ऑटम आर्ट एग्जीबिशन का प्रोग्राम यहाँ पर इनका किया है। आज हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के हवाले से उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले उनको आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करें। अदा मैम, मैम सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में थोड़ा बहुत, कब से ये शौक पैदा हुआ और अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं बेसिकली उधमपुर जोन से हूँ, जम्मू J&K के उधमपुर जिले से हूँ, और पेंटिंग हमेशा से मेरी हॉबी रही है। स्कूल टाइम से ही मैं पेंटिंग करती आ रही हूँ। अपने स्कूल को मैंने काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है। पब्लिक स्कूल उधमपुर से मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है 12th तक, और मैंने काफ़ी रिप्रेजेंट किया अपने स्कूल को भी, काफ़ी जगह कई प्राइजेस और जो भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, जो भी हमें मौका मिलता था उस समय, तो हम उस पर काफ़ी मैंने, बिकॉज ये मेरी हॉबी रही है बचपन से। ये बताएं मैम, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर में आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर कश्मीर में ये एग्जीबिशन किया है, ऑटम आर्ट एग्जीबिशन किया है, तो कैसे ख्याल आया आपके दिमाग में कि हम यहाँ पर भी ये प्रोग्राम? जी, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये कहूँगी कि एक कश्मीर जो है हर आर्टिस्ट की एक ड्रीम प्लेस है कि वहाँ अगर वो रहे तो उसको मौका मिले रहने का, तो वहाँ पर क्योंकि इतना कुछ है इंस्पायर होने के लिए, यहाँ के वातावरण, यहाँ की जो सीजन्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, चेंजेस हैं, कलर्स हैं, लोगों का रहन सहन जो है, मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर करता था। बट इट वॉज़ माई ड्रीम प्लेस टू बी हियर, तो मैं पिछले एक साल से यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। तो आप मेरा काम देख सकते हैं, सब कश्मीर इंस्पायर्ड ही है, और ये पिछले एक साल में मैंने जो किया है वो मैंने यहाँ पर शोकेस करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपके पेंटिंग में यहाँ पर नज़र आ रही है, क्या क्या दिखाने की कोशिश आपने की? बेसिकली मैंने कश्मीर की ब्यूटी को इन्हेंस करके अपने कलर्स में, कैनवस में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स पे काम किया है, जैसे वाटर कलर, एक्रेलिक्स, ऑयल्स, इवन 3D, इवन सम मॉडर्न वेज ऑफ पेंटिंग। और मैंने काफ़ी सारा, मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट हूँ, जो कि बहुत सारे फ्यूजन्स और कई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पर कश्मीर के कश्मीर को दिखाने की अपने इन डिफरेंट मीडियम से कोशिश की है। और बेसिकली मेरी जो थीम है, दैट इज़ टू शोकेस पॉजिटिव साइड ऑफ कश्मीर टू द पीपल आउटसाइड द स्टेट, आई वुड से दैट, क्योंकि J&K से बाहर एक कहीं ना कहीं एक फियरफुल इमेज है कश्मीर की, जो कि लोग सोचते हैं कि नहीं, वहाँ पर जाना चाहिए, सेफ है, नहीं है, टूरिस्ट आते हैं। अभी तो वैसे टूरिस्ट बहुत बढ़ गया है पिछले साल से, मुझे लगता है कि थोड़ी एक पॉजिटिव इमेज बाहर जा रही है, बट कहीं ना कहीं, जैसे मैं, मेरे साथ पर्सनल एग्जांपल मैं कहूँगी कि थोड़े दिन पहले जब हम यहाँ पर पोस्टिंग हुए यहाँ पर, तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं, बिकॉज मैं एक आर्मी बैकग्राउंड में पली बड़ी हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया में हैं, बाहर हैं, जो कि खुद आर्मी ऑफिसर्स हैं या खुद या मैरिड टू आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फिर पूरे कंट्री में जगह जगह पर हैं। तो सब लोग ये बोलते थे, स्टे सेफ, अंदर रहो, ज़्यादा मत घूमना, ये वो, मतलब एक फेयर कहीं ना कहीं था हमारे पेरेंट्स को भी, अरे कश्मीर में पोस्टिंग हो गई, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिव, जो कि मुझे हमेशा हर्ट किया है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि बिकॉज हम जम्मू के ही हैं रहने वाले, तो ऐसा तो नहीं है, हम आते रहते कश्मीर घूमने के लिए भी पहले, लेकिन यहाँ रह के ज़्यादा पता चलता है। तो मुझे एक ब्लेसिंग कहूँगी कि मुझे यहाँ रहने का मौका मिला और यहाँ की पॉजिटिव चीज़ें देखने का मौका मिला। जैसे मैं यहाँ के आर्टिजन से बहुत ज़्यादा मिली, और इंस्टेड ऑफ कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है या शॉपिंग करनी हुई, शॉपिंग के लिए एक बेस्ट प्लेस कश्मीर माना जाता है, तो मैंने कभी भी यहाँ की शॉप से जाके कुछ नहीं ख़रीदा है, मैं आर्टिजन से मिली हूँ, कुछ इनोवेशन किए हैं उनके कामों में, और इवन जैसे फोक आर्ट आप ये देख रहे हैं, यहाँ का पेपर माशे है, यहाँ की एम्ब्रॉयडरीज हैं, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आर्टिस्ट के साथ मिल के बैठ के सीखा, बनाने की कोशिश की, और कुछ उनमें इनोवेशन लाने की कोशिश की, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम बात करेंगे इसके साथ साथ, आपने यहाँ पर जो पेपर माशे का भी आप इसमें इन्वॉल्व किया है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने पेपर माशे के लिए हमने यहाँ पर एक डेमॉन्स्ट्रेशन भी रखा है, ताकि क्योंकि बहुत बच्चे भी आ रहे हैं इस पेंटिंग एग्जीबिशन को देखने के लिए, और मेरा एक मोटिव ये भी है इस एग्जीबिशन को लेके कि
आगे की जनरेशन को मैं इंस्पायर कर सकूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि आर्टिजन्स, ये इट इज़ द लास्ट जनरेशन हु इज़ वर्किंग ऑन देयर सच अमेजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट्स हियर, आगे उनके बच्चे नहीं कर रहे ना, वो सीखना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हालातों की वजह से या फिर यहाँ की लाइवलीहुड, उनको लगा कि शायद हम इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो वो उन चीज़ों को अब नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब करते रहें, बिकॉज मतलब इतना अच्छा, इट इज़ इन देयर ब्लड, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ की क्रिएटिविटी उनके ब्लड में है, उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, बाकी काम भी वो करें बट एज ए हॉबी ही करेंगे अगर, तो इसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब इन आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा फ्यूजन लाने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे वाली जनरेशन को भी इंस्पायर कर सकें। ये आपके 3 दिन का 25 नवंबर से 27 नवंबर, 3 दिन का, किसी कोई एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं है, क्या इसमें कोई एक्सटेंड की गुंजाइश है? जी, मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कई जगह से कि आप इसको एक्सटेंड करें, बिकॉज संडे बीच में आ गया कि थे, इवन डिपार्टमेंट से कॉल आ रहे हैं कि हम वो अपने स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के, इवन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ आएँ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ आएँ, बिकॉज उनमें ऑलरेडी ये टैलेंट है। हाँ, इसके बाद आप कहाँ कहाँ पर ये आर्ट एग्जीबिशन करना चाहेंगे? जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, अगर इसका रिस्पांस वैसे भी बहुत अच्छा जा रहा है, अगर मुझे मौका मिलता है, कोई मौका देता है, तो डेफिनेटली मैं इसको कहीं, ये मैसेज मैं कहीं और भी देना चाहूँगी, बिकॉज माय मेन मोटिव इज़ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग कश्मीरी। तो बहुत से ऐसे युवा हैं कि वो चाहते हैं कि इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी ये आर्ट एग्जीबिशन होना चाहिए, जिस तरह आपने यहाँ पर श्रीनगर में किया था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी ये होना चाहिए, ताकि यहाँ के यूथ को भी मौका मिलना चाहे अपना वो टैलेंट शो के। बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलता है, कोई इस तरीके की लोकेशन या सजेशंस मिलते हैं, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी कि हम कुछ वर्कशॉप्स भी करें, जहाँ पर मेरे साथ बैठ के यूथ सीख सके, अगर वो सीखना चाहता है तो हम, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैं जब भी स्टूडेंट के साथ काम करती हूँ, मैं भी कुछ सीखती हूँ और वो भी मुझसे कुछ सीखते हैं, तो इट्स अ लवली एक्सचेंज ऑफ आर्ट। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग करवाई, बताओ? देखिए, जम्मू में तो मैं बहुत करती हूँ, बहुत सारे वेलफेयर कोर्सेज मैं कर चुकी हूँ, लेकिन श्रीनगर में, कश्मीर में अभी तक नहीं किया है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट इवेंट। जम्मू में या दिल्ली में या किसी जगह है ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप उनको ट्रेन करवा सके, या अगर यहाँ पर कोई इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसमें वो कोर्स करना चाहते हैं, कोई है यहाँ पर जहाँ से आप उनको सिखा सकें? जी, वैसे तो मेरे ऑनलाइन सेशंस काफ़ी चलते हैं, बिकॉज जब से कोरोना टाइम से मुझे लगा कि ऑनलाइन सेशंस आर वेरी कंफर्टेबल, कि मैं अपने घर को देखते हुए ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और उन ऑनलाइन सेशंस में मेरे पास, मुझे लगता है कि 8 से 80 साल तक के लोग उसमें एनरोल होते रहते हैं, एंड इवन कंट्री के किसी भी भाग से, और इवन ओवरसीज भी, तो और बहुत ही, जैसे रेजिन आर्ट के कोर्सेज हैं उसमें, वाटर कलर्स के कोर्सेज हैं, इस तरीके काफ़ी चीज़ें मैं करवाती रहती हूँ, और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हम उस जगह पर कोई ना कोई अकोमोडेशन देख के हम ऑफलाइन भी करते हैं, जैसे हमारा ग्रुप बन जाता है, कुछ क्रैश कोर्सेज मैं करवाती हूँ। आखिर पर आपकी मैसेज क्या रहेगी उसके नाम? मैसेज ये रहेगी कि पॉजिटिव साइड जाएं, और मुझे लगता है कि इस तरीके की हॉबी होना यूथ में, यंग जनरेशन में, टीनेजर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे वो एक पेशेंस सीखते हैं। आर्ट एक ऐसी हॉबी जिसमें बैठ के बच्चा एक काम करता है और अपने दिल का जो भी है वो अपने कागज़ पे वो उतारता है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों का जो गैप है आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता बच्चे किस हिसाब से सोचते हैं, बिकॉज जनरेशन में भी एक फ़र्क आ चुका है, और बहुत फास्ट ग्रोथ है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ गैजेट्स एंड सो मेनी थिंग्स अराउंड, तो हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा क्या सोचता है, किस तरीके से, किस चीज़ को, किसके बाद उसकी लाइफ में और क्या हो रहा है घर से बाहर जब हो जाता है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि एक आर्ट जैसी हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक ऐसी हॉबी में ज़रूर इन्फ्लुएंस करना चाहिए, और दूसरा अगर उनके बच्चे ऑलरेडी एक अच्छा आर्ट या ड्राइंग, पेंटिंग कुछ करते हैं, तो उसको आगे लेके जाएं, तो बिकॉज इसमें प्रॉपर बैचलर डिग्रीज हैं, मास्टर डिग्रीज हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एनी अदर स्टडी जो कि हम अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच।